अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी मैम आमिरा फ्रॉम एमईटी पब्लिक स्कूल सोपोर। टुडे आई एम गोइंग टू डिलीवर अ लेक्चर ऑन द टॉपिक कॉन्करिंग डिस्टेंसेस फॉर क्लास फिफ्थ सब्जेक्ट सोशल साइंस। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन व्हाट्स मेंट बाय कॉन्करिंग डिस्टेंसेस। कॉन्कर मीन्स टू ओवरकम और टेक कंट्रोल ऑफ, या हम ये कह सकते हैं कि फासलों पे फतेह पाना या फासले कम करना। और ये फासले कैसे कम होते गए? बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। और इस लेसन में हमें आज इसी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में पढ़ना है। तो इसके लिए पहले हमने ये जानना ज़रूरी है कि लफ्ज़ ट्रांसपोर्ट के माने क्या है। ट्रांसपोर्ट मीनिंग, what is the meaning of transport? Transport means carrying goods or people from one place to another. Transport वो निज़ाम है जिससे हम सामान या लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। For example, if we have to travel, we use different means of transport. We can take a car, a bus or a train. अगर हमें सफ़र करना है एक जगह से दूसरी जगह, हम इसके लिए कार या तो बस का इस्तेमाल करते हैं। नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन आवर लाइव्स? इस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का इम्पोर्टेंस क्या है, अहमियत क्या है हमारी जिंदगी में? द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री डिपेंड्स लार्जली ऑन इट्स ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। किसी भी मुल्क की तरक्की का राज इसके ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पे होता है। एडवांसमेंट ऑफ द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैज श्रंक द वर्ल्ड। और इस निज़ाम में जो तरक्की हुई है उसकी वजह से दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बनाया है। पीपल कैन नाउ ईजिली ट्रैवल टू फार ऑफ एंड ऑल्सो टू रिमोट प्लेसेस। लोग अब आराम से और आसानी से एक जगह से दूसरी जगह या दूर दराज इलाकों में जा सकते हैं। Now kids, what is the role of transportation system in our lives? अब इस सिस्टम का, इस निज़ाम का किरदार क्या है हमारी ज़िंदगी में, कैसे हमें मदद मिलती है इससे? Transport has played an important role in the following ways. Number one, it helps the people to reach their place of work. ये लोगों को मदद करता है अपने काम पे जाने के लिए। It helps your parents, आपके पेरेंट्स को मदद करता है टू रीच देयर ऑफिस, या आपको मदद करता है टू रीच द स्कूल ऑन टाइम। नंबर सेकेंड, इट हेल्प्स इन सेलिंग द फिनिश्ड गुड्स नॉट ओनली विद इन द कंट्री बट ऑल्सो टू फॉरेन कंट्रीज। ये हमें तिजारत में मदद करता है, न कि अपने मुल्क में बल्कि बैरून मुल्कों में भी। एंड नंबर थर्ड, इट हेल्प्स इन ब्रिंगिंग पीपल क्लोज टू ईच अदर। और सबसे अहम, इसने लोगों को एक दूसरे के साथ मिलाया है, एकजुट किया है। That was all about today's topic. In our next lecture, we will read about different modes of transport. Till then, goodbye and stay blessed.